और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है रामगढ़ से, जहां ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत की खबर है। गुस्साए लोगों ने रांची पटना रोड जाम कर दिया है। कुछ ओपी के नया मोड़ 4 लेन की यह घटना बताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने रांची पटना रोड को जाम कर दिया है। कूजू ओपी के नया मोड़ 4 लेन की यह घटना बताई जा रही है, जहां रामगढ़ में ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत होती है और इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस दौरान रांची पटना सड़क को जाम कर दिया गया है। कूजू ओपी के नया मोड़ 4 लेन को जाम रखा गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रामगढ़ से, जहां पर ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के साथ रामगढ़ से हमारे संवाददाता खालिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खालिद, क्या कुछ ये पूरा हादसे के बाद वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि 3 युवकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सुष्मिता, ये पूरा मामला 2 घंटा पहले की है। मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ 4 लेन में ये हादसा हुई है, जहाँ पे कुजू थाना क्षेत्र के ही दिगवार गांव के 3 युवक कुछ काम से कुजू की ओर आ रहे थे कि अनियंत्रित होकर वो ट्रक की चपेट में आ गए और टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों स्पॉट में ही दर्दनाक मौत हुई है। पूरे शरीर की छत विछत हो गई थी, जिसको स्थानीय पुलिस के द्वारा उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वही परिजनों की बात करें तो परिजन और वहां के ग्रामीण आक्रोशित होकर रांची पटना 4 लेन जो है NH-33 उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया था पिछले 2 घंटे से। अभी मांडू अंचल अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि जो भी सरकारी प्रावधान में जो मुआवजा होगी वो मैं उसे 1 हफ्ते के अंदर में दूंगा, उसके बाद ग्रामीणों ने अभी जाम को हटाया गया। जी बिल्कुल खाली, चलिए, प्रशासन की ओर से मुआवजे का आश्वासन मिला है और उसके बाद जाम हट पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।